छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी का जो है 23 जुलाई को जो है मासिक परीक्षा होने वाली है साइंस का, है ना। क्लास 9वीं का ये साइंस का जो है, इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर इसका देखने वाले। ऑब्जेक्टिव का हम करवा चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले थे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको हम ये करवा चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव ठीक ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे थे, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 300 का 300 जो हम आपको करवा चुके हैं, 300 का 300 जो हम आप सभी को जो है करवा चुके हैं। बाकी इसका जो है आपको इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं इसका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बल की परिभाषा दे, तो इसका ऐसा मात्र क्या है ना। दूसरा, समय की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्र क्या। तीसरा, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को लिखे, है ना। और चौथा देखिए दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है क्यों। और पाँचवा है, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताए। फिर असंतृप्त विलयन क्या है, फिर कोलाइडी विलयन क्या है, उत्तक क्या है, लसिका क्या है, टेंडन और फिलामेंट में क्या अंतर है। इस तरह से आपके जो है एग्जाम जो है मासिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान आसान पूछे गए। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर से देखिए किन्हीं तीन प्रश्नों का ही जवाब देना है। दीर्घोत्तरीय में किन्हीं तीन प्रश्नों का जवाब देना है और इनमें जो है किसी पाँच प्रश्नों का ही जवाब देना है ना। चलिए तो देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे क्या है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध स्थापित करना है। फिर दूसरा है बल की अवधारणा स्पष्ट करें। फिर तीसरा है प्रभाजी आसवन का वर्णन करें। और चौथा है स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है ना। ये सभी देखिए आपके क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था क्या कि बल की परिभाषा है, इसका अच्छा सी लिखा गया, एस आई कर दीजिएगा। इसका एस आई मात्रक क्या है ना, इसका उत्तर लिखिएगा बल की एस आई मात्रा, एस आई इकाई न्यूटन है। इसे एक किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा पहला का उत्तर। उसके बाद देखिए आपका दूसरा देखिए क्या था, संवेग की परिभाषा थी, इसका एस आई मात्र। देखिए यहाँ पे सी हो गया, हिंदी में टाइपिंग हो गया ना, तो इसका एस आई लिख लीजिएगा। एस आई मात्र क्या है, इसका उत्तर में लिखिएगा कि संवेग गतिशील पिंड द्वारा धारण की गई गति की मात्रा को पिंड का संवेग कहते हैं। यानी एम मतलब द्रव्यमान, एम द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग जो भी वेग से गतिमान है उसका संवेग इसका गुणनफल होता है। इसे पी से दर्शाया जाता है। तो पी बराबर हो जाता है एम बी, पी बराबर क्या हो जाता है, एम बी हो जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है, ये आ जाता है केजी मीटर पर सेकंड, मीटर इन्वर्स आ जाता है। चलिए ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं। तीसरा देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखना है। इसका उत्तर लिखेगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली ऊपर वस्तु पर बल पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दरी खींचने पर खड़ा देखते उलट जाता है क्यों, है ना। ये क्वेश्चन था, इसका उत्तर लिखिएगा दरी पर खड़ा व्यक्ति अपने शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, जबकि दरी खींचने से दरी के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झक जाता है, अर्थात दरी खींचने पर खड़ा व्यक्ति क्या हो जाता है, उलट जाता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये जो कि छठा है, पांचवा नहीं बताएं, छठा बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा पांच क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा लघुतरीय में। अब इसका दीर्घोत्तरीय देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय में तीन क्वेश्चन लिखना था। तो ये पहला देखिए कि बल की अवधारणा स्पष्ट करें ना, बल की अवधारणा जो है स्पष्ट करें। तो ये देखिए उसका उत्तर हो जाएगा कि बल एक ऐसा प्रभाव है जो किसी वस्तु के वेग को बदल सकता है, यानी गति को बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ गति या दिशा में परिवर्तन जब तक कि अन्य बलों द्वारा इसका प्रतिकार ना किया जाए। बल की अवधारणा धक्का देने या खींचने की रोजमर्रा की धारणा को गणितीय रूप से सटीक बनाती है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसका देखिए बाबू 13 नंबर है, प्रभाजी आसवन का वर्णन करें। पहले तो आपको बता देते हैं कि इस चैनल पे देखिए आपको जो है सटीक और ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर जो हमेशा दिया जाता है, हमेशा जो ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर दिया जाता है ठीक ना, मासिक परीक्षा का। तो अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि आपको जो है जब भी एग्जाम होता है मासिक परीक्षा का, आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर दिया जाता है। और आपको मालूम है कि ये जो एक मंथली एग्जामिनेशन है ये हमेशा आपका होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले ठीक ना। वीडियो को लाइक करना जरूर जरूर कीजिए। आप लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते, अगर इस तरह से अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं अब तो फिर आपको जो है वीडियो नहीं मिल सकता हमारी तरफ से, फिर सॉरी, फिर हम जो है पैसा वाला कर देंगे। फिर पैसा लेंगे तभी जो हम बच्चे लोग को देंगे, पहले एक बात बोल देते हैं, नहीं तभी फ्री दे रहे हैं तो फ्री में दे रहे हैं तो इसका लाभ उठाते हैं। तो कम से कम हमको भी तो कुछ किया कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी से। इसका अगर आपको पीडीएफ लेना है
इसका अगर आपको PDF लेना है तो फेसबुक का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ, फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके उसको फॉलो कीजिए, क्लिक करके फॉलो कीजिए और वहाँ पर मैसेज कीजिए कि सर हमको जो है साइंस और SST क्लास 9th का जो है हमको PDF चाहिए सब्जेक्टिव का, तो हम आपको वहाँ पे दे देंगे, तुरंत दे देंगे हम, ठीक ना। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहीं पे आपको जो है PDF मिलेगा, वहीं पे आपको PDF मिलेगा। देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रभाजी आसवन का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा प्रभाजी आसवन एक औद्योगिकी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों जिनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का अंतर 25K से कम होता है, 25 के मतलब 25,000 को अलग किया जाता है, यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, क्रेसिन एवं अन्य घटक को इसी विधि से अलग किया जाता है। देखिए ये था और इसका देखिए ये हो गया, दो क्वेश्चन हो गया लघु तरीके दीर्घ उत्तरी का। एक और क्वेश्चन है कि स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, देखिए लिख लीजिएगा इसका उत्तर लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि स्याही क्रोमेटोग्राफी करने के लिए आप फिल्टर पेपर की एक पट्टी के एक छोर पर स्याही का एक छोटा सा बिंदु रखते हैं जिसे अलग किया जाना है, कागज़ की पट्टी से इस छोर को एक विलायक में रखा जाता है, विलायक कागज़ की पट्टी पर ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे यह ऊपर की ओर बढ़ता है यह रसायनों के मिश्रण को घोलता है और उन्हें कागज़ पर ऊपर खींचता है। ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अगर इसका आपको PDF लेना है तो जाइए जल्दी से, फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उसको पहले फॉलो कीजिए, ठीक ना, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे PDF मैसेज कीजिएगा कि सर हमको सब्जेक्टिव का PDF चाहिए साइंस और SST का, तो हम दोनों का वहाँ पे भेज देंगे, ठीक ना। चलिए बाबू आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिए जल्दी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक मिनट भी आपको नहीं लगता है लाइक करने में, तो लाइक कर दीजिए। ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एकदम हमारे यहाँ कोई भी डुप्लीकेट नहीं चलता, कल जो आपका इंग्लिश और मैथ का होगा उसका भी आएगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तभी। चलिए चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक जय हिंद जय भारत।